बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद अमर यूट्यूब चैनल। और सारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने टाइम कढ़िया ये वीडियो देखने लिए। सब तो पहले तो जड़े तो लोग नवे आए हैं ना, चैनल सबसक्राइब जरूर कर दें। फिर अगली ऐसी गल करनी है शर्जील खान के उपर करनी है और मुहम्मद आमर के उपर करनी है, क्योंकि गल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया सी। हुण गल दा आगाज़ असी इस तो करते हैं कि यार मुहम्मद आमर सच्चा सी और मुहम्मद आमर ने कोई झूठ से कहा नहीं सी है। और दूसरी गल है कि शर्जील खान का यार हुण की कसूर आ, मैनूं तो समझ नहीं आती है यार। एक पाकिस्तानी जिहड़े पासे नूं तुर पैण उही पासे नूं तुर पैंदे आ, इस तों अलावा मतलब कि बाद विच इन्हां नूं किसे वी सियाणे बंदे की गल नज़र ही नहीं आती हैगी। अच्छा, हुण मुहम्मद आमर की गल करिए। मुहम्मद आमर ने शाहीन अफरीदी के बारे में कहा, पहली गल तो यही कर दें कि मुहम्मद आमर मतलब कि जो थोड़ा पता शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गया और एशिया कप नहीं खेल रहे, और हो सकता कि अगली आने वाली जी इंग्लैंड की सीरीज है सात मैचों की T20 सीरीज होनी है, और उन्हों का भी कोई पता नहीं है कि शाहीन अफरीदी सीरीज खेलनगे या नहीं खेलनगे। मेरा ये ख्याल है कि शाहीन अफरीदी वो भी सीरीज जिन्होंने नहीं खिलानी, वो भला क्यों नहीं खिलानी। वो मेन रीज़न ये है कि अगे आ रहा वर्ल्ड कप अक्तूबर के बच्चे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम यह चाहेगी, बाबर आजम यह चाहूगा कि शाहीन अफरीदी मतलब कि थोड़ा जहा रखा जाए, ताकि यह है कि शाहीन अफरीदी अपनी फिटनेस बरकरार रखे। और ये खुदा ना खासा कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अगेंस्ट इंजरी होगी तो समझ लो कि फिर वर्ल्ड कप के बच्चे भी चांस जो शाहीन अफरीदी का शमूलीयत वो बिल्कुल खत्म हो जाना। हूँ अफरीदी ने भी यह किया, अफरीदी ने कहा कि मैं शाहीन अफरीदी को कहा कि खुदा दे बंदे तू फास्ट बॉलर ना, तू इन जो डाइया शाइया मारता है ना मारिया कर, क्योंकि फास्ट बॉलर इंजरी बहुत जल्दी हो जाती और बड़ी ज्यादा होंगी। और अगर फास्ट बॉलर इंजरी हो जाए तो पता कि रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। माजी के पता कि मिसाल शोएब अख्तर की सब तो बड़ी मिसाल सामने हैगी है। लेकिन अफरीदी ने कहा, उन्हें कहा यार मैंने मैं गल तो शाहीन अफरीदी को करती, लेकिन बाद मैं अंदाजा होया कि वह भी अफरीदी ही हैगा वा। यह तो गल मतलब कि गल एक हैगी। और दूसरी गल हूँ मुहम्मद आमर की है, मुहम्मद आमर ने मतलब कि जितों रिटायरमेंट ली आ, सब तो बड़ी मुहम्मद आमर ने मेन रीज़न यही बयान की थी। उन्होंने कहा कि मैं 27-28 साल का हो गया और मेरा जिसम मतलब कि इन्नी फटीक नहीं चल सकता है कि मैं 3 फॉर्मेट जो एट ए टाइम खेलना, टेस्ट क्रिकेट भी खेलना, वनडे भी खेलना, और उस बाद T20 भी खेलना, फिर PSL भी खेलना, फिर बिग बैश लीग भी खेलना, फिर इंग्लैंड की काउंटी वो भी खेलना, फिर मैंने कोई वैसट इंडीज आ गई, कैरबियन लीग प्रीमियर लीग आ गई वो भी खेलना। वो जाहरी बात है कि जो मतलब कि प्लेयर है वह राइट आ कि मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट के वनडे खेलना चाहता या T20 खेलना चाहता। तुम मतलब कि मिसाल थोड़े सामने है कि आस्ट्रेलिया की मतलब ऐसी टीम है कि उन्होंने अपनी जी तकरीबन उन्होंने जो मेन फास्ट बॉलर आ सवाई मिचल स्टार्क तो, मिचल स्टार्क जे टेस्ट भी खेलते, वनडे भी खेलते और T20 भी खेलते। लेकिन तुम्हें देखा होना कि मिचल स्टार्क तो टेस्ट के अंदर वो बिल्कुल ही लिमिटेड जी बोलिंग करवाते, तो यह नहीं है कि मिचल स्टार्क हूँ आउट नहीं हो रहे तो सारा दिन ही उन्होंने लगाई रखे टेस्ट मैच। आस्ट्रेलिया ने बड़े सियाने उन्होंने अंदाजा कि साडा मेन बॉलर असी इस तो टेस्ट में भी काम लेना, इस तो वनडे के भी काम लेना। मुहम्मद आमर का सिर्फ एक सूर सी, उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट तो रिटायरमेंट लै रहा, लेकिन मैं वनडे लिए और T20 लिए अवेलेबल होऊंगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा वो गुस्सा ही कर गया इस गल का, और उन्होंने मुहम्मद आमर को कढ़ता, हालांकि बहुत बड़ी ज्यादती की थी। अगर देखा जाए कि मुहम्मद आमर वो बंदा जिन्हें 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जिता आते सब तो कलीदी किरदार मुहम्मद आमर का सी, और आते नहीं मतलब कि 3 विकटा लै उड़े रोहित शर्मा की, विराट कोहली की और शिखर धवन की। हूँ अगर गल की मुहम्मद आमर ने शाहीन अफरीदी की मिसाल सामने दी, उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी तो बाद मतलब कि हूँ टॉप ट्रेंड एक बन गया सी कि सोशल मीडिया से ट्रेंड चल गया कि शाहीन अफरीदी बाहर हो गया, मुहम्मद आमर को वापस लेके आ जाए। और मुहम्मद आमर ने भी किया, उन्होंने कहा कि मैं हैरान है कि मेरे ऊपर किदा मतलब कि बन गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी ऐसा मतलब कह लो कि ढीठ है, उन्होंने फिर मुहम्मद आमर को कोई नहीं रखा, वो जगह पर मुहम्मद हसनैन शामिल कर लिया। ठीक है, मुहम्मद हसनैन भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर आ और यंग है और मतलब कि उन्होंने मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए लैफ्ट आर्म फास्ट बॉलर साढ़े को गया शाहीन अफरीदी, और जगह पर मेन जो अच्छा मुतबादल हो सकता है मुहम्मद आमर ही है सी। और मुहम्मद आमर ने किया, उन्होंने कहा शाहीन अफरीदी क्रिकेट खेली जा रहा है, खेली जा रहा मतलब कि फास्ट बॉलर लिए इन्नी क्रिकेट खेलना बड़ी मतलब कि मुश्किल होंगे। उन्होंने कहा फिर क्या कि हाले 22-23 साल उम्र आ और मतलब कि जान हैगी है जिसम के अंदर, इसलिए खेली जा रहा। लेकिन उन्होंने कहा जो मैं जो जी गल मैं स्टेज से आके की थी जो 27-28 साल का हो गया शाहीन अफरीदी, फिर तुम दस्यो कि शाहीन अफरीदी तीनों फॉर्मेट खेलेगा या नहीं खेलेगा। मेरा ख्याल है कि नहीं खेलेगा, क्योंकि हर फास्ट बॉलर की मजबूरी है, पैसा क्रिकेट के इन्ना आ गया, लीग्स है इन्ना आ गया कि हर क्रिकेटर यह चाहता कि मैं शॉर्ट जी क्रिकेट खेलना, और दूसरा यह है कि मैं पैसा भी ज़्यादा मिले। ये नहीं है कि मैं 5-5 दिन टेस्ट ग्राउंडों के खड़ के मतलब क्रिकेट खेली जाऊँ। खैर जी, मुहम्मद आमर का कोई कसूर नहीं सी, और मेरा यह ख्याल है कि मुहम्मद आमर वापस लैके आना चाहिए। दूसरी गल करा शर्जील खान, तो शर्जील खान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है
शरजील खान ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर, लेकिन हूँ मसला यह है कि शरजील खान बिग बैश लीग वाले ने भी मतलब कि नॉमीनेशन के रखा, और शरजील खान एक ऐसा प्लेयर है कि पावर प्ले का जबरदस्त इस्तेमाल करता, और पावर प्ले मतलब कि बाबर आजम मुहम्मद मुहम्मद रिजवान आते हैं, लेकिन थानू पता कि स्कोर तो दे जाते लेकिन 6 ओवर के 30-35 रन बनाया तो T20 के अंदर की बनाया, वही शरजील खान होवे ओपनर तो तुम यकीन करो अगर 6 ओवर खेल गया तो 60-70 रन मतलब कि कन्फर्म पक्का है, क्योंकि ऐसी शॉट्स उसके कोल हैगी आ। और शरजील खान की मतलब कि फिटनेस से गल कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिटनेस भी अपनी साबित करती और अपनी परफॉर्मेंस भी साबित करती। हूँ मसला यह है कि देखा जाए मैरिट के उपर शरजील खान कम अज कम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इन्हों लाजमी रखना चाहिए। ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलेंगे, कमेंट करके तुम जरूर दसना मुहम्मद आमर और शरजील खान का वर्ल्ड कप खेलना बनता या नहीं बनता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।